गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास से, राइट। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री गाइस, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पे जा चुके थे और हम कंसंट्रेशन निकालने की बात कर रहे थे। अब मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार ये बता देना चाहता हूँ कि अब तक हमने कितना पढ़ लिया। अब तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपने चैप्टर्स को ओवरव्यू लिया था कि कौन कौन सा सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है, वन थिंग। सेकंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि लॉगरिथम की कैलकुलेशंस कैसे करनी है और कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ को कैसे सोल्व आउट करना है। लॉग की मैंने तीन प्रॉपर्टीज़ बताई थी, वो आपको अच्छे से क्लियर होगी गाइस। उसके बाद थर्ड क्लास में हम लोगों ने अपनी क्लास को शुरू किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, और मैंने यहाँ पे आपको मैटर को एक्सप्लेन किया था कि मैटर या सब्सटेंस को कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो गाइज, मैटर या सब्सटेंस को क्लासिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, दो अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, एक फिजिकल अपीयरेंस और दूसरी केमिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब था कि आपका मैटर दिखता कैसा है, देखने मात्र से क्या पता लग रहा है। तो फिजिकल अपीयरेंस से पता लग रहा था कि गाइज हमें जो मैटर है वो तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। फिर इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एक सब्सटेंस तीनों में भी एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर का एग्जांपल लेके हम लोगों ने ये सब आगे चीज़ें पढ़ी थी, राइट। तो वाटर के लिए हमने समझा था क्या कि अगर ये सॉलिड गैस में है यानी कि सॉलिड स्टेट में है तो आइस होगा, अगर लिक्विड में है तो ये वाटर होगा, और अगर गैस में है तो ये वेपर्स के फॉर्म में होगा गाइस। इसी के बाद हम लोगों ने केमिकल अपीयरेंस की बताया था कि या तो वो प्योर होगा या वो इम्प्योर होगा। अगर वो प्योर होगा तो प्योर में क्या क्या हो सकता है, प्योर में अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री या तो वो हो सकता है गाइज एलिमेंट या हो सकता है कोई कंपाउंड। और अगर बात करते हैं इम्प्योर की या मिक्सचर की, तो इम्प्योर मिक्सचर का मतलब क्या है गाइज कि उसके अंदर कोई दो सब्सटेंस यानी कि कोई दो चीजें मिली है, आपने कुछ मिक्सचर तैयार किया है। मिक्सचर का जब क्लासिफिकेशन किया था तो मिक्सचर्स को मैंने बताया था गाइज दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस को यानी होमोजीनियस के बारे में पता करना चाह तो मैंने होमोजीनियस को ही दो शब्दों में तोड़ लिया, यानी कि होमोजीनियस शब्द का संधि विच्छेद कर लिया, इसको इनके दो वर्ड में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो होमोजीनियस बना है होमो प्लस जीनियस से मिलके। होमो का मतलब होता है सेम और जीनोस का मतलब होता है फेज, यानी कि सेम फेज का अगर तुम्हारे पास कोई मिक्सचर है या बोले तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी ऐसे ही बनते हैं गाइस, मिक्सचर ही होते हैं सॉल्यूशन भी। सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, आप दो या तीन चीज़ों को ऐड करते हो, राइट। मिक्सचर या सॉल्यूशन आप उसको बोल सकते हो। अगर होमोजीनियस है तो उसमें क्या होगा, सेम फेज का होगा। सेम फेज का मतलब कि जो भी आपने उसके अंदर चीज डिसोल्व की है वो ईच एंड इक्वल प्रपोर्शन में हर जगह डिसोल्व है, राइट। बिल्कुल एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसका पूरे के पूरे आपके सॉल्वेंट के अंदर है, राइट। जैसे कि आप चीनी के को पानी में घोलते हो तो चीनी की जो मिठास है पूरे पानी में मिल जाती है, यानी कि आपका पूरा पानी मीठा हो जाता है, राइट। अब आप स्ट्रो लगा के ऊपर से पियो और नीचे से पियो, आपको तो सेम ही फेस दिखने वाली है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको बताया था कि इनके पास सेम फेस होती है, दूसरा इनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोले तो कि जो मिठास गिलास के कांच के गिलास में शीशे गिलास में ऊपर की तरफ है वही शीशे गिलास में नीचे की तरफ होगी, हर कोने में आपको सेम मिठास मिलेगी, यानी कि चीनी का जो दाना है, चीनी की जो अमाउंट है वो इक्वल प्रपोर्शन में हर जगह से हर तरफ डिसॉल्व है गाइस। उसके बाद बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। अगर हेट्रोजीनियस की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि हेट्रोजीनियस को दो शब्दों में तोड़ते हैं, हेट्रो प्लस जीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, आप कहीं भी हेट्रो पढ़ोगे उसका मतलब होता है डिफरेंट, और जीनोस का मतलब होता है फेज, यानी कि इनके पास क्या होगा, इस डिफरेंट फेज होगी। एग्जांपल जैसे कि आप रेत और पानी का सॉल्यूशन बनाओ, यानी कि पानी के अंदर रेत मिला दो, तो रेत जो है वो हर जगह डिसॉल्व नहीं होगी, नीचे बैठ जाएगी। क्या होगी भाई, नीचे बैठ जाएगी। अगर वो नीचे बैठ जाएगी मतलब आपने जो ये मिक्सचर तैयार किया उसमें दो तरह की फेज है, कहीं नीचे कुछ सॉलिड मिलेगा और कहीं ऊपर कुछ लिक्विड मिलेगा, यानी कि कहीं नीचे तो केवल सैंड सैंड है और ऊपर सैंड के नाम पे कुछ भी नहीं है, यानी कि जो ये आपका मिक्सचर तैयार हुआ ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार हुआ। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं साहब। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो जैसा इसका नाम है वही इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि डिफरेंट फेज होगी।
सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होगी गाइज? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब क्या है कि रेत हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इक्वली डिजोल्व नहीं है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। अगर पानी में ऊपर देखो तो रेत नहीं मिलेगी, नीचे ही जाओगे तो रेत मिलेगी, जबकि आपका जो मिक्सचर था उसमें रेत बराबर बराबर मिलनी चाहिए थी। इसी को मैंने आपके घर में जो नवरत्न हल्दीराम का मिक्सचर नमकीन आता है उसके तरीके से भी समझाया था। उस मिक्सचर में कुछ काजू भी होती है ना, सेब, भुजिया, आलू, लच्छा, सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की वो नमकीन्स बनती है, यानी कि बहुत सारी नमकीन उसके अंदर बन के मिलती है, इसलिए उसको मिक्सचर्स का नाम दिया जाता है। और मिक्सचर के नाम से वो मिलती है कि जाओ भाई कोई मेहमान आया मिक्सचर ला के खिला दो चाय के साथ। तो जो मिक्सचर था उसमें अगर आप बाइट खा रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं था कि हर बाइट में काजू आए, जबकि काजू तो आपने मिलाई थी। भाई कम मिलाओ ज़्यादा मिलाओ, चीनी कम मिलाओ ज़्यादा मिलाओ, जितनी भी चीनी होगी उसकी प्रॉपर मिठास आपको मिलेगी। कम मिलाओगे कम मिठास होगी, ज़्यादा मिलाओगे ज़्यादा मिठास मिलेगी। लेकिन आपने अगर काजू मिला दी तो हर बाइट में तो आपको काजू मिली नहीं, यानी कि इसके अंदर जो है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रेजेंट है। ये हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टीज थी। अब मैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के लिए कंबाइंड एक प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूँ। कंबाइंड प्रॉपर्टी ये है कि आप इनको फिजिकल सेपरेशन से भी अलग कर सकते हो, यानी कि प्योर और इम्प्योर में, इम्प्योर की खास बात ये होती है कि आप उनको अलग अलग कर सकते हो, जो जो चीज़ आपने उसके अंदर डाली थी उसको अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास नमक और पानी का घोल है, राइट, तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा ये होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार होगा। इस होमोजीनियस सॉल्यूशन को अगर गर्म करना शुरू कर दो तो पानी वेपर बन के अलग चला जाएगा और आपके पास नीचे क्या बच जाएगा, केवल नमक बच जाएगा, यानी कि आपने जो बनाया था, आपने जो मिलाया था वो अलग हो चुका, राइट। और अगर आप उस शुगर प्लस वाटर के सॉल्यूशन को हीट करो तो वाटर तो वेपर्स बन के बाहर निकल जाएगी और शुगर आपको क्रस्ट फॉर्म में मिलेगी, जिसको आप बूरा बोलते हो, बूरा क्रस्ट शुगर, वाइट पाउडर जैसी शुगर जो आती है बूरा, वो बचाव मिलेगा, यानी कि आपने बूरा को अलग कर लिया और आपने पानी को अलग कर लिया। अगर आप बात करो रेत और पानी के सॉल्यूशन की, तो आप उसको छान लो तो रेत ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, यानी कि फिजिकल सेपरेशन से हम इन मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं गाइस। यही इनकी प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हमने फिर इस सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू किया, यानी कि ये मैटर जो था इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैसी, जैसे कि इसका मास क्या होगा, मास को किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम में वे करेंगे, उनकी यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन पढ़ाया, वॉल्यूम का इंटर कन्वर्जन पढ़ाया, फिर मैंने आपको डेंसिटी का इंटर कन्वर्जन पढ़ाया, जो भी उनकी यूनिट्स थी उसमें कैसे चेंज करेंगे, किस किस यूनिट्स में उसको लेके आते हैं, क्या फॉर्मूलाज थे। फिर मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया, टेम्परेचर केल्विन या डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में आप 273 को ऐड कर दोगे तो आपको जो डाटा मिलेगा वो केल्विन में मिलेगा गाइज। इस तरीके से आपने फिर प्रेशर की बात की, प्रेशर की मैंने आपको बहुत सारी यूनिट्स बताई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एटीएम, बार, MMHG, टोर, और इन सब का आपस में आपको मैंने इंटर रिलेशन भी बताया। दो रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक तो वॉल्यूम का और एक किसका, प्रेशर का। वॉल्यूम के मैंने आपको पूरा स्क्रीन दिखाया था एक बार बना के, और मैंने आपको प्रेशर के लिए पूरी स्क्रीन पे समझाया था, यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गाइस इस चैप्टर में भी, इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी, फिफ्थ चैप्टर में भी, सिक्स्थ चैप्टर में भी, सेवन्थ चैप्टर में भी, और ट्वेल्थ में भी, हर जगह आपको वो लगते हुए दिखाई देगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वो चीज़ें आप कंठस्थ कर ले, यानी कि वो चीज़ें केवल क्या थी कि आपने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बेसिस पे आपने क्या देखा उन्हीं को आपने आपस में इंटरचेंज किया, राइट है। लीटर को मीटर क्यूब, ml, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एटीएम, बार, टोर, MMHG, सबका चेंज आपको आना चाहिए। आपकी जैसी डिमांड होगी वो आप वहाँ पर सप्लाई कर दोगे, वन थिंग। उसके बाद मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कराया। मोल कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया कि गाइस यहाँ पे एक एवोगैड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10^23, और इस एवोगैड्रो नंबर को मैंने रिलेट कराया, जैसे एक दर्जन में 12 केले या 12 संतरे या 12 नींबू या 12 आम, जो भी कुछ होता है, यानी कि वन डजन या वन दर्जन का मतलब जो होता है वो उसमें 12 थिंग्स का होता है, वैसे ही वन मोल, मोल इज लाइक डजन, पेयर, इस तरह। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में वो डजन पेयर ऐसे नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे, वन मोल। और हमने बोल दिया कि वन मोल
किसी भी सब्सटेंस का किसके बराबर होगा, उसमें प्रेजेंट 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से हम उस एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से 1 मोल की डेफिनेशन निकाल सकते थे। फिर मैंने आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ आपको बेसिक कोर नॉलेज दी, आपको एक बढ़िया सा ज्ञान दिया, आपको पता लगे कि 1 मोल का मतलब क्या क्या हो सकता है साहब। मैंने आपको एटम के बारे में बताया, मैंने आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, मैंने आपको पार्टिकल्स के बारे में ही बताया। मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी कराए जहां पे आपको पार्टिकल्स निकालने की परमिशन दी हुई थी या आपसे पार्टिकल्स के बारे में पूछा हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल्स? पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आपको कैसे पता लगेंगे? जो भी उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो उसके हर एटम के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लो, उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितनी है आपके पास? 2। तो 2 ऑक्सीजन के अंदर कितने हो चुके? 8 × 2 = 16, और 6 आपके पास कार्बन से आए, 16 + 6 = 22, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास 22 इलेक्ट्रॉन्स गाइस प्रेजेंट है। बिल्कुल सीधी सी बात है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के नंबर भी ऐसे निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ऐसा मैं समझता हूं। आगे चलते, फिर मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया। तो सॉल्यूशन को मैंने बताया कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जो ज्यादा अमाउंट है प्रेजेंट हो, यानी कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स या जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जिसकी अमाउंट ज्यादा हो। और अगर बात करें सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे? जो कम अमाउंट है प्रेजेंट हो, या बोल सकता हूं जिसके ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो, ज्यादा देखते सॉरी सॉल्यूट जिसकी कम अमाउंट प्रेजेंट हो या जिसके कम नंबर ऑफ मोल्स हो, एक्सट्रीमली सॉरी, राइट। सोलवेंट मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट मतलब कम नंबर ऑफ मोल्स। सोलवेंट मतलब ज्यादा अमाउंट, सोल्यूट मतलब कम अमाउंट। फिर मैंने बताया कि आपको कैसे पता लगा कि सोल्यूट कितना डिजोल्व है इस सोलवेंट के अंदर। जो सोल्यूशन आपने तैयार किया, आपने कितना सोलवेंट डाल के तैयार किया, तो इसी के लिए एक वर्ड निकल के आया, कंसंट्रेशन। क्या निकल के आया? एक कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या? कि कितना सोल्यूट कितने सोलवेंट में डिजोल्व है, या इस सोल्यूशन की पावर कितनी है, या कितनी अमाउंट आपने डिजोल्व कर दी। भांति भांति प्रकार के तरीके थे, तो मैंने उसी कंसंट्रेशन को 2 भागों में बांट दिया, एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने आपको मोलैरिटी, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नॉर्मैलिटी, और मैंने आपको मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब चीजों के बारे में कल आगाह कराया कि नहीं कराया। ये मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स निकालने सिखाई। अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था गाइस। क्वेश्चन क्या कराया था कि भाई अगर आपको कोई डाटा दिया है, आपको कोई एक कंसंट्रेशन दी है, तो दूसरी कंसंट्रेशंस की वैल्यूज को आप वहां से कैसे निचोड़ोगे। ये बेहद आसान है आपके बोर्ड के हिसाब से, लेकिन जो बच्चे जेई मेन्स या नीट की तैयारी कर रहे हैं, या जो वो पेपर देना चाहते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं कि हाँ भाई हमें उस नेशनल लेवल के कंपटीशन में बैठना है, तो भाई माँ ये आपको रुला देंगे। अगर आपको इनका ज्ञान नहीं है, अगर आप इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो माँ आपको रोना पड़ेगा गाइज। माँ आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, माँ आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, छोड़ेगा ही नहीं आपको कोई। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या मायना है और उसको कैसे सोल्व करना है। तो मैंने कल आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक क्वेश्चन किया था कि अगर आपके पास 20% वेट बाई वेट यूरियाज एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, क्या 20% वेट बाई वेट यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, एंड डेंसिटी जो है यानी कि डी वो 1.25 ग्राम पर ml दी हुई है। डेंसिटी क्या दी हुई है? 1.25 ग्राम पर ml। और यूरिया का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको कल बता ही दिया था, वो क्या होता है गाइज? NH2CO NH2। और अगर ये आपको दिया है तो आप उसके बिना पूछे भी इसका मॉलिक्यूलर मास पहले ही निकाल के रख लो, क्योंकि मुझे पता है आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा इसका गाइस? कल भी मैंने आपको सिखाया था, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, जितने भी है उनको ऐड कर दो। आज फिर से करवाता हूँ, नाइट्रोजन कितने हैं प्यारे बच्चों? 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है,
उसके एटॉमिक नंबर के जस्ट दो गुना एवरेज, मतलब ज्यादातर कंडीशन में उसके नंबर का, उसके एटॉमिक नंबर का जस्ट दो गुना उसके पास एटॉमिक मास होता है। यानी कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका एटॉमिक मास 14 है। एक का 14 है, दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि दो का हो जाएगा 2 × 14 प्लस। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन का होता है एक, हाइड्रोजन कितने अवेलेबल है 2 और 2 4, तो 4 का कितना हो जाएगा 1 × 4 प्लस। कार्बन की, कार्बन एक ही है इसका 12 होता है, और ऑक्सीजन एक ही है इसका 16 होता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 28 + 4 + 6 × 2 8 1 और 1 2, यानी कि 28 कितना हो चुका 56 और 4 कितना आ चुका 60 ग्राम पर मोल आपका मोलिकुलर मास आ चुका। ये आपने पहले ही निकाल लिया। इसको निकालने के लिए भी मुझे पता लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि निकालते कैसे, उन्हें पता ही नहीं होता कि इसकी इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मोलर मास आपने निकाल लिया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 20% वेट बाई वेट उसने दिया है इसका मतलब क्या है, इसका मायना क्या है। तो मायना आपको बताएगी इसकी डेफिनेशन, क्या बताएगी आपको इसकी डेफिनेशन। आपने 20% वेट बाई वेट की डेफिनेशन पढ़ी है। अब वेट बाई वेट का मतलब होता है कि इतने ग्राम सोल्यूशन में डिजोल्व है। क्या बोला आपने कि इतने ग्राम सोल्यूशन में डिजोल्व है, यानी कि इसका जो मतलब निकल के आता है वो सीधा सीधा ये निकल के आता है कि 20 ग्राम ऑफ यूरिया, है ना, यूरिया ही तो है, यूरिया की तो दी है, इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ है कि नहीं है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व्ड है, यही तो कल मतलब था। अपनी कॉपी में देखो, मैंने आपको यही मतलब बताया कि परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब है कि उसके इतने ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व्ड है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूट होता है जो उसके अंदर डिजोल्व होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी है 20 ग्राम। यहां से क्या पता लगता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी है गाइज 20 ग्राम, ये आपको पता लगता है। और अगर मैं आपको पूछूं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितनी है 80 ग्राम, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों को जोड़ दो 100 ग्राम। क्लियर है, ये बात आप ऐसे निकाल सकते हो। अब आपको सॉल्यूट की अमाउंट ही पता है और आपको सॉल्वेंट की अमाउंट ही पता है। आपको निकालनी थी मोलरिटी, क्या निकालनी थी आपको, सपोज करो आपको मोलरिटी, देखो मैं इससे क्या क्या निकलवाऊंगा, इस डाटा से देखो क्या क्या निकलवाऊंगा। पहले बात करो मोलरिटी निकालने, किसकी बात करो गाइज, मोलरिटी निकालने की। तो आपको पता है मोलरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है गाइज, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ml में मल्टीप्लाई बाई 1000, ये होता है मोलरिटी का मतलब। क्लियर है कि नहीं है, अगर ये इसका मतलब है तो मोलरिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब यार नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके थे गाइज, सोल्यूट के थे, किसके थे गाइज, सोल्यूट के थे, पता भी होना चाहिए भाई किसके नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। तो कितना सोल्यूट कितने सोल्यूशन में डिजोल्व है यही पता करते हैं। अब सोल्यूट है हमारा यूरिया, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। क्लियर है कि नहीं है, अब आपको गिवन मास ही पता है और मोलर मास ही पता है। आगे पेज पे चल सकते हैं, इसको उतारने का भी टाइम दूंगा, देखने का भी टाइम दूंगा, बस थोड़ा सा मुझे क्या करना है, मुझे आगे चलना है, आगे चलते हैं। यानी कि आपका जो सिस्टम का आंसर आया वो आया कि भाई मोलरिटी जो आपकी है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स उसको नहीं लिखेंगे, मोलरिटी जो आपकी बराबर आई वो आई गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वी ml में अगर है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 से, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है। अब भाई मुझे गिवन मास पता है कि 20 ग्राम है, वो कैसे पता है, वो मैंने पता कर लिया इस 20% वेट बाई वेट से, और मुझे पता लग गया कि भाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो 20 ग्राम है, राइट। अब 20 ग्राम आपकी सोल्यूट की अमाउंट है, आपका मोलर मास कितना है, आपने अभी निकाला यूरिया के लिए 60 है, अभी भी आपको वी ml चाहिए,
क्या चाहिए आपको? VML चाहिए। केवल VML रखते ही आपके सामने मोलरिटी आपके कदमों में होगी, आपकी मुट्ठी में होगी। अब यार ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यार ये कैसे निकलेगा? उसने आपको इसे निकालने के लिए डेंसिटी दी हुई है। क्या दी हुई है गाइस? डेंसिटी दी हुई है। और डेंसिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो बताया था मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बताया था? मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई? आपको चाहिए सर वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। अब मास किसका? मास किसका? मास आपके सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम किसका चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। मोलारिटी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही परिभाषा थी मोलारिटी की, ठीक ही नहीं थी? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको चाहिए, सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है, तो सॉल्यूशन का ही मास रखना पड़ेगा। और भाई सॉल्यूशन का मास कितना है? मास यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 100 ग्राम। कितनी है? 100 ग्राम। यानी कि यहाँ वैल्यू रखो 100 ग्राम, और डेंसिटी आपको कितनी दी छोटे भाई? 1.25। कितनी दी? 1.25। यूनिट्स रख लो एक बार। मास किस में दिया है? ग्राम में। किस में दिया है गाइज? ग्राम में। और डेंसिटी किस में दी है? डेंसिटी दी है सर आपको ग्राम पर ml में। तो आप इसको क्या लिखो? ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा। तो जो वॉल्यूम है वो आपका आ जाएगा 100 upon 1.25 ml, क्योंकि ये ml कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये आपकी वैल्यू ml में आ चुकी। अगर आपकी वैल्यू ml में है, अगर आपकी वैल्यू ml में है तो यहाँ ml में रखनी है, तभी तो 1000 का मतलब था। अगर आप ml में नहीं रखना चाहते, आप लीटर में रखना चाहते हैं, तो आप एक काम करना प्लीज, इस 1000 को यहाँ से काट देना। डेफिनेशंस आपके क्लियर होने चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहां डाउट आ रहा, ये मारेगा वो मरेगा। नहीं, मोलारिटी आपकी क्या हो जाएगी? 20 upon 60 into वॉल्यूम कितना आया? 100 into 1.25 into 1000। यही तो था, 100 upon 125, ऊपर चला जाएगा 1.25। देखो अब क्या करते हैं, 10 से 10 यहां पे काट दो, 20 से 20 ये काट दो, तो आपके पास जो मोलरिटी आई वो आई 2 into 1.25 into 10 upon 6। ये आपके पास आया। आप 2 3 6 कर दो, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? नहीं दिक्कत। आप क्या कर दो? इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 12.5 upon 3। अब आप इसको डिवाइड कर दो, 3 4 12, बचा 1, सॉरी बचा 5, 3 1 3, बचे 2, 2 के आगे पॉइंट तो लगाया, 0 तो आप लगा ही सकते हो, 2 0 20 हो गया, और 3 6 18, बचे कितने? बचे कितने? 2, फिर से 0 लगाओगे, यानी कि 4.1666 आंसर आता जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो? 4.17, 4.17, कितना? 1 mole per liter। और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4.17 molar। ये आपका आंसर है। मैंने कल भी आपको ये सवाल कराया था, और मैंने आज भी आपको ये सवाल करा दिया। इसी सवाल से मैं आपको भी और भी आगे लेके चलूंगा। अभी मैं आपको और भी बहुत कुछ निकलवाऊंगा। कल तो केवल मोलैलिटी निकाली थी, अभी हम इसकी मोलैलिटी भी निकालेंगे। क्या करेंगे? मोलैलिटी भी निकालेंगे। करो फटाफट इसको। फटाफट से करो, इसकी मोलैलिटी भी निकालेंगे। सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल आप यहाँ से देख सकते हो, इसको पॉज करो, ठीक है? पहला क्या काम करो, इसको पॉज करो, सब कुछ इस पे से उतार लो। बिल्कुल ये इसका मतलब था। इट मीन्स आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। मैं आपको कुछ भी रटवाऊंगा नहीं,
रट नहीं सकते यार, रट बहुत कम सकते, ज्यादा रटा ही नहीं जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। मतलब आपने लिख लिया, राइट, मतलब आपके सामने है। ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है। इसको कभी इसको भूल जाओ कि ये क्या है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। इसको फ्रीज करके लिखो, फिर लिखो इसको, इसको पोज करके लिखो। लिखने का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि एक एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो आपने काम किया, ये आपने ये काम किया अलग, ये काम आपने किया अलग, क्योंकि ये आपको इस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट थी, इस वॉल्यूम के लिए आपने ये काम किया। जो निकला किससे, डेंसिटी की मदद से निकला। किसकी मदद से निकला गाइस, ये डेंसिटी की मदद से निकला। इसको एक बार कर लेंगे फटाफट। इस सवाल का ड्राइविंग फोर्स बताऊं कहां से होगा, जिसको मतलब नहीं पता, जिसको चीजों का मतलब नहीं पता, मोलैरिटी क्या होती है, वेट बाई वेट क्या, तो वो सवाल ही नहीं कर सकता। पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको पहले इन चीजों का मतलब सिखाया, मैंने आपको पहले इन चीजों का मतलब बताया कि क्या किसका मतलब होता है, जिससे कि ये आपके सामने अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाए। और कैलकुलेशन करने में अगर किसी को डर होता है, अगर ये कैलकुलेशन करने में किसी को डर है, तो मुझसे आगे बस एक बार ऑफलाइन मिल ले, उसका डर खत्म हो जाएगा, उसका डर छोड़ूंगा ही नहीं मैं किसी भी तरह से। एक बार मुझसे आके मिल लेना कैलकुलेशन करने में, से बोल देना सर डर लग रहा है, मैंने कहा अच्छा डर लग रहा है, आजा फिर मेरे पास आ जा, मैं बता दूंगा डर कैसे खत्म करना है, डर मैं अपने आप खत्म करवा दूंगा। इसको लिखे, मोलैरिटी आपने निकाल ली, मैं आपसे बोल रहा हूँ मोलैरिटी निकलवाने के लिए, क्या बोलता हूँ आपसे, आपसे बोलता हूँ मोलैरिटी निकाल के बता दे। अब देख कैसे बताएगी, रुक जा, इस सवाल को तो जितना मर्जी उतना लंबा खींच दूं, एक चीज दे दे बस वो कैसे भी करके, फिर देख हम कैसे आगे चलते हैं। लिख लिया होगा है ना, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि इसी के लिए मोलैरिटी क्या होगी, तो आप लोग तो बड़े प्यारे बच्चे हो, आपने तो मोलैरिटी के बारे में पढ़ लिया। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर किलोग्राम में है तो सिंपल छोड़ दो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता लग ही चुके, यानी कि ये स्मॉल m क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ चुके कहां से, यहां से आ चुके, ये w बाई m जो है यही नंबर ऑफ मोल्स है, और वो कितना है जिसके लिए 20/60। तो सोच चुपचाप लिख दो बिना डरे, 20/60। अब यार ये वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। आ जा, कहां जा रहा भागा, इधर आ, इधर राजा, ये क्या लिख रखा है, ये
ये मतलब ये नहीं 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 पागल है क्या हम, ये क्या लिखा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, नहीं लिख रखा वेट ऑफ सॉल्वेंट, लिखा कि नहीं लिखा, पर ये दिया नहीं था, 80 का ही नहीं दिया था तुम्हें, इसके मतलब में आया था कि 20 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में डिजोल्व्ड है, कभी 100 ग्राम ही सोलवेंट का वेट ले लो, नहीं भाई पूरे का वेट मिला के 100 ग्राम है, जिसमें 20% हिस्सा सोल्यूट का है और बाकी 100 में से बचा हुआ हिस्सा यानी कि 80% हिस्सा किसका है, सोलवेंट का है, तो सोलवेंट का हिस्सा कितना है 80 ग्राम, रख दे यहां पे 80, 80 क्या रख रहा है, ग्राम रख रहा है कि किलोग्राम रख रहा है बता, ग्राम रख रहा है ग्राम, तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 से 10 ये 20 काट दे, सिंपल मोलरिटी इक्वल्स टू 2 × 10 डिवाइडेड बाई 6 × 8, अरे यही बचा क्या 20 × 10, अरे बचा क्या यही, इसको फर्दर काट दे, फर्दर कैसे काट दे 2 से या एक और, अरे अपने को जल्दी नहीं है, बहुत ही आराम से करना है, 2 × 100 कर ले कोई दिक्कत है, 6 × 8 कर ले कोई दिक्कत है, 2 से ये कटा 3 times और ये कटा 2 से 4 times 50 times, फिर 2 से काट दे 25 times 2 times, यानी कि ऊपर आ गया 25/6, सिंपल 6 × 4 = 24, बचा एक पॉइंट लगा दे, जीरो लगा ले, 10 हो गया, फिर 6 × 6 = 6, 10 बचे कितने 4, फिर क्या पड़ेगा 6×6 = 36, 6 चलता रहेगा, यानी कि मोलैलिटी की वैल्यू भी क्या आई 4.17 मोलल, मोलैलिटी क्या आई 4.17 मोलल, और 4.17 इस मोल एम भी लिख दोगे तो उसका मतलब भी क्या ही होगा मोलल होगा, बात समझ में आई क्या, मोलल होगा मोलल, क्लियर है क्लियर है कि नहीं है, लिख लो फटाफट हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी, हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी, ये मोलैलिटी होती है, ये मोलैलिटी के मतलब होते हैं, ये मतलब है मोलैलिटी का, ठीक है ये मतलब है आपके सामने, जिसको मतलब नहीं पता उसके लिए सवाल किसी मतलब का नहीं है, एक बात और सुन लो, जिसको मतलब नहीं पता उसको सवाल किसी मतलब का नहीं है, मैं तो पहले ही कह रहा, जिसको मतलब नहीं पता उसके लिए सवाल किसी मतलब का नहीं है, फटाफट से कर लो, फटाफट से अरे नीट के जेई के उम्दा सवाल है ये, छोड़ेगा नहीं ने वो, मानेगा ही नहीं, बोलेगा मैं तो नहीं मान रहा, मानूंगा नहीं, जो करना कर ले, सीधी बोल दे, सीधी बोलता है वो, उसे किसी डर नहीं लगता, उसे डर लगता ही नहीं, फटाफट लिखे इसको गाइस,
चले क्या? आगे चलते, इसको फ्रीज कर लेना, मैं हट जाता हूँ, पोज कर लेना, इसको लिख लेना, आगे चलते। इसी सवाल के लिए अब वो तुमसे पूछ रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है इसी सवाल के लिए? क्या पूछ रहा है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? एमएल में, मल्टीप्लाई बाय किससे? 100 से। यही मतलब था। कितने ग्राम है सॉल्यूट के भाई? 20 ग्राम है। अगर इसके 20 ग्राम है तो भाई लिख दे 20 ग्राम ले। वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का? ओहो, अभी निकाला था वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ये रहा, ये सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम है यहां, ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। और कितना आया? 100 अपॉन 1.25। किस में आया था? ml में। इंटू 1000, ये 1000 से ये 1000 गया, ये 1000 से 1000 पूरा गया, 2 इंटू 10 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना बन जाएगा? 12.5। और 12.5 टू की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा? 25, 12.5, 25, 25%। यानी कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फॉर दिस सॉल्यूशन इज 25%। मायना क्या था? ये मायना था, बिना इसके सवाल नहीं होगा, बिना इसके सवाल नहीं होगा। अगर ये नहीं पता तो ये करने का कोई फायदा नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ। ये पता होना जरूरी है, तब ये जाके तुम्हारे पास यहाँ आंसर आएगा। निकाल दिया इसी के अंदर आपने, देखो कितनी चीजें आपने निकाली। आपने परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकाल लिया, आपने मोलरिटी निकाल ली, एक एक पेज पे सब कुछ किया हुआ है। इस पेज पे पूरे में मोलरिटी निकली हुई है। क्या निकली हुई है यहाँ पे? मोलरिटी। ठीक है, इस पेज पे बिल्कुल बेसिक बताया कि क्या किसका मतलब है और हम इससे क्या क्या चुरा सकते हैं। यहां आपने मोलरिटी निकाल ली, यहां आपने परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकाल लिया। परसेंटेज वेट बाई वेट आपको दिया ही था, अभी तो और बचती है कंसंट्रेशन टर्म। रुको जरा, सब्र करो, रुको, ये लिखो फटाफट, आगे लेके चलता हूं। एक चीज बता दे बस, आगे मैं अपने आप निपट लूंगा। कंटेंट की मेरी गारंटी है, कंटेंट अगर तुम्हें ऐसा कहीं दे दे तो मान जाऊं। यानी कि यही सॉल्यूशन परसेंटेज वेट बाय वेट में 20% है जाए और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में 25% है, सवाल दे देगा, चार ऑप्शन लिखी रहेगी, यार परसेंटेज वेट बाय वेट दिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? अरे 20 होगा, लगा दे वहां, फिर चलता है, हाँ ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ऐसे चलता है फिर वहां। कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं होता ना, मजबूरी एक है, चीजों का मतलब थोड़ा ना समझाए। चीजें रटी थी, रटी तो थी भाई, कर ले, बिन रटे रटेगा तो होगा ही नहीं एक भी, समझेगा तो हो जाएगा। एक एक वर्ड का मतलब है, ये सॉल्यूशन है, यहाँ देख ले, यहाँ सॉल्यूट है, क्योंकि तेरे पास बहुत सारी नॉलेज। अब बहुत बहुत बड़ा आदमी बन चुका तू, क्योंकि भाई तूने ये पढ़ लिया, इसका मतलब ये है। और तेरे पास ये तीन तरह के डाटा आ चुके, अब तेरे पास अगर ये तीन तरह के डाटा आ चुके भाई, तू तो पागल हुआ फिरेगा। अरे भाई पागल हुआ फिरेगा तू, बोलेगा इसको कैसे संभालू इतने ज्ञान को, इतना ज्ञान तुझे संभलेगा भी? कर ले जल्दी जल्दी, लिख ले इसको फटाफट।
फटाफट लिखो स्टूडेंट्स, फटाफट गाइस फटाफट। ऐसे ही क्वेश्चंस की लाइंस लग जाएगी, लाइंस इतने क्वेश्चंस है अपने पास, प्रैक्टिस कर करके पागल हो जाओगे, पर सिखा के छोड़ूंगा। लिखो गाइस एसएफ, आगे चलते हैं। इसी में अब एक और चीज निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किसका? ऑफ यूरिया का। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? काई से। अब बताओ मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही बताया था फॉर्मूला कल। अब आगे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को तो ऐसे ही लिख दो। नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है यूरिया प्लस एक्वस सॉल्यूशन था ना, तो सॉल्वेंट के मोल्स, सॉल्वेंट एक्वस मतलब पानी के मोल्स, यानी कि टोटल में क्या है? टोटल में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्लियर? इतनी बात अगर क्लियर है तो नंबर ऑफ मोल्स यूरिया तो तेरे को पता है। मैं फिर दिखा रहा, यहां नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए डब्ल्यू बाई एम करके 20/60। क्या करके? 20/60 करके। तो 20/60 अपॉन यूरिया के फिर से क्या आगे 20/60 प्लस ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा? वाटर का मास अपॉन इसका मोलर मास। अब वाटर होता है जी H2O, और H2O के लिए मोलर मास क्या आएगा? हाइड्रोजन का 1, 2 है तो इंटू 2, और ऑक्सीजन का कितना? 16। आया कितना? 18। यानी कि इसका मोलर मास तो आया 18। अब वाटर का गिवन मास क्या है? वाटर का गिवन मास है 180 ग्राम। सोलवेंट ही तो है वाटर। अरे सोलवेंट कौन है? वाटर है। तो वाटर का मास कितना है? 80 ग्राम है। वाटर का मास कितना है? 80 ग्राम है। तो यहां क्या लिख देंगे? 80। आया मजा? दिखी चीज होती हुई दिखी, आंखों से देख फील करा कि मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया। सोल्व करना है बस अब उसको, और क्या करना है? इसको सोल्व करते हैं। 20/60 को 1/3 लिख सकते हैं। 20/60 तीन बार कट जाएगा, यहां भी 1/3 लिख दो, प्लस 80 अपॉन 18 को, तो उसको किससे? 9 से कट करते हैं, 2 से, तो 2 9 जा, और ये 40 टाइम्स, तो यहां क्या आ गया? 40/9। क्या आ गया गाइस यहां पे? 40/9। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे कैसे? वन बाई थ्री अपॉन 9 आ जाएगा एलसीएम। तो यहां पे था 3, यहां पे क्या था? 3। तो एलसीएम लेके तो यहां पे क्या जाएगा? 3 3 9 प्लस 40 एज इट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 43 इंटू 9
आ गया कि नहीं आ गया? अरे 1/3 को 3 नीचे ले आया, 40+3 43 हो गया, और 9 ऊपर चला जाएगा, 3 3 से 9 क्या आया, 3/43। अब 3/43 को क्या लिखोगे, पॉइंट, पॉइंट लगा के एक जीरो लगा ली, लेकिन अभी भी नहीं बनता, एक जीरो और लगा ली, अब कितना बन गया, 300 बन गया। तो 300 को काटना है आपको 43 से, तो 6 टाइम चली, 43 6 जा, ये आ गया आपका 300 पे चला तो बच गया 18 2, और फिर चला दिया 3 पे, यानी कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 0.063 आंसर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, अब देख सुन, या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कर, और फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स और जो पीछे किया वो कर, और तेरे को पता है काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ए को क्या मान ले, यूरिया मान लो, और बी को क्या मान ले, वाटर मान ले, एक के बराबर होगा, कल सोल्व करके देख लिया था हमने, इसकी वैल्यू पता है, तो वाटर की क्या आ जाएगी, 1-0.063 आ गया ले आंसर। दोनों आंसर आपके चरणों में है, दोनों आंसर निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन का जिसको ये मतलब नहीं पता उसके लिए भी ये सवाल किसी काम का नहीं, इन दो फॉर्मूलास से हुआ है तुम्हारा क्वेश्चंस। ये सप्लीमेंट्री के लिए था, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, लिख लो फटाफट, ये आपने इसका मोल फ्रैक्शन भी निकाल दिया, लिखे फटाफट, फिर इसकी नेक्स्ट स्लाइड चलाता हूं, इसको फटाफट लिखे। समझ आ रहा है अच्छे से, क्लियर है? सवाल को कहीं तक भी लेके चले जाओ तुम्हारी मर्जी है, बस तुम्हें चीजों का थोड़ा सा पता होना चाहिए। चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे? क्लियर है जी? ये लिख लिया होगा, अब इसको लिख ले, कैलकुलेशन भी तो आपको करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन किस तरह से मैंने की है ये भी आपको पता होना चाहिए, विदाउट कैलकुलेशंस भी सवाल अधूरा ही रहता है, क्योंकि जब तक उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे टिक नहीं करोगे तब तक वो चीज़ ठीक नहीं होगी, या जब तक आंसर को बॉक्स में बंद नहीं करोगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे।
यहाँ नंबर लेने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, नंबर लेने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, ये बॉक्स में चीजें बंद करनी पड़ेगी। ऐसे आंसर्स निकालने पड़ेंगे बोर्ड में निकाल के। निकालने पड़ेंगे आपको भाई, ऐसे आंसर्स बिना निकाले बात नहीं बनेगी। लिख लिया होगा आपने, है ना? लिख लिया कि नहीं लिख लिया? आगे चले, आगे चले कि नहीं चले? आगे चलते हैं, ठीक है? इसको कर लेना, एक सवाल और करते हैं। न्यू क्वेश्चन एक, ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज लेबल्ड एज 2 मोलल। एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, लेबल लिख रखा है 2 मोलल। इसका मतलब क्या है? 2 मोलल मतलब कि उसने जो आपको मोलैलिटी दी है वो कितनी दी है? 2 moles per kilogram। मोरलिटी की वैल्यू होती है ये 2 moles per kilogram। क्लियर है? एंड डेंसिटी, NaOH 1.2 gram per ml। इसका मतलब है ये और इसका मतलब है आपके पास ये। पूछता है मोलैरिटी क्या होगी, परसेंटेज वेट बाई वेट, ये सब चीजें पूछता है। चार चीजें पूछी हुई है, मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाई वॉल्यूम एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉटर। अब आपको निकालनी है मोलैरिटी। पहले तो मोलैरिटी का मायना क्या होता है वो समझ लेते हैं। क्या मतलब होता है? इट मींस मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसका मतलब ये है कि 2 moles of NaOH 1 kilogram या 1000 gram में डिजोल्व है, यानी कि 2 mole किस में डिजोल्व है? 1 kilogram। और 2 किस में डिजोल्व है? 1000 gram। ये बात पता लग गई। अगर ये बात पता लगी तो मैं एक लाइन इससे क्या लिख सकता हूं गाइज, एक लाइन लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
NaOH. सोल्यूट क्या है? NaOH ही है, दो है. एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है जी? वो है जी 1000 ग्राम. इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी, इतना तो आपको क्लियर क्लियर दिखता होगा कि भाई इसका मतलब ये है. पहला सवाल करते हैं मोलैरिटी. आज मोलैरिटी करते हैं, ये आप लोग घर से ट्राई करने की कोशिश करना, वरना मैं तो कल निकल पाऊंगा ही. ठीक है, ये आप घर से ट्राई करने की कोशिश करना वरना मैं निकल पाऊंगा ही. मोलैरिटी निकालते हैं. मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000. ये होता है गाइस मतलब. अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं पता. यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दो दिए हैं. अब ये v ml इंटू 1000, ये v नहीं पता. क्या नहीं पता? ये v नहीं पता. इस v के लिए क्या करेंगे हम? डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे. डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होती है गाइस? मास अपॉन वॉल्यूम. अब ये सॉल्यूशन का है. किसका है? ये सॉल्यूशन का है, तो मास भी किसका चाहिएगा? सॉल्यूशन का. और डेंसिटी भी किसकी चाहिए? सॉल्यूशन की. तब वो वॉल्यूम किसका निकल के आएगा? सॉल्यूशन का निकल के आएगा. अब वॉल्यूम इक्वल्स टू मास कितना है सॉल्यूशन का? नहीं पता. क्यों नहीं पता? केवल मास सॉल्वेंट का पता है 1000 ग्राम है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है नहीं पता. मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई डेंसिटी. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम. और मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? नहीं पता. लेकिन आपको एक चीज पता है. क्या आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो इक्वल्स टू होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास के. NaOH का मोलर मास आपको पता है. इस NaOH का मोलर मास आपको पता है. मोलर मास कितना है इसका? इसका मोलर मास है 23. आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी. ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये आया 40 ग्राम पर मोल. राइट. और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स 2 है. गिवन मास को W मानते हैं, मोलर मास आया 20, यानी कि W आया 80 ग्राम. ये किसका है? सोल्यूट का मास है. किसका मास है? ये सोल्यूट का मास है. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया? 80 ग्राम. डेंसिटी कितनी दी है? 1.2 ग्राम पर ml. राइट. आगे चलते हैं. तो वॉल्यूम हमारे पास आया
1000 प्लस 80 अपॉन 1.2 इक्वल्स टू 1080 अपॉन 1.2। ये पॉइंट यहाँ से हटाया तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, राइट, क्या आया 108 इंटू 100 अपॉन 12, आया कि नहीं आया? आया। अरे 10, ओहो दिक्कत होगी एक आपको, तो भाई मैं तो ऐसे सीधा लिख दिया 10800 अपॉन 12, 108 इंटू 100 अलग कर दो अपॉन 12, 12 9 या 108, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया 900 ml। क्या आया? 900 ml। और मोलरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाई 1000। नंबर ऑफ मोल्स दो है, वॉल्यूम आया 900 ml इंटू 1000, 20 से 20, तो मोलरिटी क्या आई? 20, 10 बच जाएगी अपॉन 9, 9 2 जा 18, 2 बचे पॉइंट लगा ली, 0 बढ़ा दी, फिर से कितने बच गए? 20, यानी कि 2.222, यानी कि एम आई 2.22 मोल पर लीटर और एम इक्वल्स टू 2.2 मोलर। ये आपका क्या आ चुका आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं आया? ये पता होनी चाहिए चीजें, ये नहीं पता। और ये जो हमने काम किया, ये हमने काम किया सप्लीमेंट्री में, ये काम एक सप्लीमेंट्री में किया, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ी वो चीज़ें रख ली। सॉल्यूशन वॉल्यूम का सॉल्यूशन निकालने, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ी, या इसके मास की रिक्वायरमेंट पड़ी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आ जाएगा चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन का चाहिए, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का होगा, ये बात ध्यान रखने की है। सॉल्वेंट का तो 1000 ग्राम दिया ही है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि 1000 ग्राम में डिजोल्व्ड है। और सॉल्यूशन सॉल्यूट का वेट आपको कैसे पता लगेगा? यहाँ से, यानी कि जो मास ऑफ सॉल्यूट था, ये मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग गए इस तरीके के पास, ठीक है जी, किसके पास गए हम? इसके पास गए, ये निकालने के लिए स्पेशली। अब इसको लिख लो, सारे को क्वेश्चन लिख लो, पॉज कर करके सब कुछ लिख लेना, ए टू जेड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट, बाकी इसकी बची हुई चीज़ें कल निकालेंगे हम। ये परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम लोग कल। इसका मतलब था ये, इट मीन्स 2 मोलल, ठीक है जी, एक ही बात थी। फ्रीज कर लो, लिख लो, ठीक है, मैं एक एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको फ्रीज करो, लिख लो, फ्रीज कर लेना। यहाँ पे पॉज करने का टाइम मिलेगा, पीछे भी जा सकते हो, बैक में जा सकते हो, पॉज करो, आगे फिर से पॉज करो, फिर से सब कुछ लिखो, ठीक है, लिख लिया मतलब कर लोगे। आगे पॉज करा, लिख लिया, 2.2 हमारा आंसर आ गया, 2.2 के आगे हमारा आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही करते हैं गाइज, कल मिलेंगे हम फिर से, ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।